नो मैटर हाउ बैडली समवन ट्रीट्स यू, आपके ऊपर कोई कैसे भी बर्ताव करे, बुरे बर्ताव करे, तो आपको कैसे हैंडल करना है खुद को सबसे पहले, फिर दूसरे को। पूरा वीडियो आप सुनना, मैं इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, ओके? कोई आपको बुरा बर्ताव कर रहे है, मिस बिहेवियर कर रहे आपके साथ, आप सबसे पहले उसको सुनना बंद करो। सुन लिया है, इट्स ओके। खुद के दिल के अंदर वो छाप पड़ने मत दो, क्योंकि ये बहुत गंदे होता है जब दूसरे के बाद हम लोग खुद के माइंड में, खुद के सोल में ले लेते हैं, और माइंड और सोल क्या करते हैं, बॉडी को डाउन कर देते हैं, तो मैं ड्रेन हम लोग हो जाते हैं। अभी आप पूछोगे उसको कैसे हैंडल करें, है ना? किसी को हैंडल करने के लिए खुद को हैंडल करना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले खुद को बाउंड्रीज जो है खुद के चार पास में बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखो। नेगेटिव लोग को खुद के बाउंड्री के बीच में घुसने मत दो। ये बाउंड्रीज आपका है, आप तैयार करोगे कौन आपके लाइफ में चारों तरफ रहेंगे बा नहीं रहेंगे। जो आपको अब्यूज करते हैं, जो आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश रखो। थप्पड़ मारेंगे तो हाथ पकड़ के मोड़ने की सीखो, ठीक है? मैं नहीं बोल रही हूँ आप थप्पड़ मारो, बट हाथ तो पकड़ ही सकते हो ना, जोर से, थोड़ा टाइट से, जैसे उसका हाथ में दर्द होना चाहिए, ठीक है? पूरा वीडियो बोलेंगे, एक एक टॉपिक, मैसरडे हो, जो भी कोई एक दिन मैं आपके लिए ज़रूर ले आएंगी, क्योंकि सब लोग डिप्रेशन में नहीं तो चले जाओगे। किसी किसी बहुत सारे मैसेज आते हैं, और बहुत सारे काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, कर ही सकते हो, बट फिर भी वीडियो बना रही हो, ठीक है? तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनना, और नया आए है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम सब लोग एक साथ जुड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएंगे, हल जान पाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है? आप प्यार में हो, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी आपको अब्यूज कर सके। आप प्यार में हो मतलब ये नहीं भी है कोई आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर्ट कर सके, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है? जो आपको समझेंगे उसको आप समझोगे, जो आपको नहीं समझेंगे उसको आप समझना बंद कर दो, ठीक है? बंद कर दो टोटली। अनकंडीशनली प्यार करना है, यस कर सकते हो, आपके मर्जी है, है ना? अनकंडीशनली प्यार करो, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। पहले खुद के लिए करो, दूसरे के लिए मत करो इतना, खुद को हर्ट कर दे वो, खुद को एब्यूज कर दे वो, खुद को प्रॉब्लम में फंसा दे वो, खुद ड्रेन हो जाओगे। ये कहाँ से अनकंडीशनली आ जाएंगे? अनकंडीशनली मतलब दूसरों को बिना अनकंडीशन से प्यार करना नहीं है, वो बाद में, पहले खुद को अनकंडीशनली प्यार करना सीखो। कोई भी आपको हर्ट कर रहे हैं ये होने मत दो। रिमोट आपके हाथ में है, आपको अभी से, आज से ही, अभी से स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, ओके? जो भी आपको बदतमीजी से हर्ट करेंगे, आप भी उसे स्लैप लैंग्वेज नहीं, वो ऐसे है तो वो उसका शिक्षा है, ठीक है? आप नहीं हो, बट बदतमीज़ से नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए खुद के लिए, तमीज से, बहुत अच्छी तरीका से, हार्ड भी उसको समझा दो। हो सकते हो हार्ड हो जाए, ये उसका प्रॉब्लम है, बट खुद तमीज़ से उसको बोल दो ये आप कर नहीं पाओगे, नहीं तो इधर से आप जा सकते हो, इधर से आप जा सकते हो मेरी जिंदगी से, ओके? टॉक्सिक के साथ रहोगे तो टॉक्सिक बन जाओगे।
टॉक्सिक के साथ रहोगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएंगे। कार्मिक के साथ ज़्यादा दिन तक रहोगे, टॉक्सिक लोग के साथ रहोगे तो पूरा जिंदगी तड़पते रहोगे। तड़पना बंद करना है तो बाउंड्रीज क्रिएट करना है, ठीक है। प्यार में रहना है तो खुद को प्यार देना सीखो, दूसरे से हर्ट मत हो। हर्ट करने का जो उसका जो करने का जो तरीका है ना, वो बंद करो। वो जो हर्ट करते हैं ये उसके गलती से ज़्यादा आपका गलती है। आप करने उसके मजबूर करते हो, आप वो उसको बोल देते हो, आपका बिहेवियर से, आपका एटीट्यूड से वो उसको पता चल जाता है आपको कर सकते हैं, ठीक है। इतना सॉफ्ट मत बनो। जब भी करे कोई आपको अब्यूज करे उसका तुरंत जवाब दे दो। स्ट्रांगली, स्ट्रांग पावर में जवाब देना सीखो। प्यार का मतलब हर टाइम याद रखो, प्यार का मतलब गिर गिरना नहीं, हाथ पार पकड़ना नहीं। प्यार का मतलब एक दूसरे से रेस्पेक्ट करना, ठीक है। झमेला होते हैं, थोड़ा बहुत तू तू मैं होता है, इट्स ओके, बट एब्यूज नो, नेवर, कभी नहीं। वो आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आप मान रहे हैं चुपचाप, उससे ज़्यादा गलती तो आप कर रहे हो खुद के साथ, है ना। आप उसे वो स्पेस दे रहे हो, मुझे गंदे गंदे भाषे में गाली दो, एब्यूज करो, कौन बोल रहे है? आप करने के लिए उसको स्पेस दे रहे हो। तुरंत बंद करो। खुद को रिस्पेक्ट दो, सबसे रिस्पेक्ट लो। फास्ट करना चाहिए, ये रिलेशनशिप में हो ज़रूर करो, रिलेशनशिप में नहीं हो कभी ना कभी तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है आपके साथ, है ना। ये सिर्फ प्यार भरा चक्कर के नहीं, सबके साथ बोल जो जो आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तुरंत बाउंड्रीज क्रिएट कर दो। बातें करना बंद करो। करोगे भी कोई कोई फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो, ओके। प्यार का मतलब होता है स्ट्रांग, कमजोरी नहीं। कमज़ोर हो तो पहले प्यार करना बंद करो, खुद को स्ट्रांग कर लो, फिर प्यार करना चालू करोगे, ठीक है। इतना दर्द होता है ना आपको प्यार में, आप खुद स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए खुद को खुद की तरह बनाओ, ठीक है। स्ट्रांग, मजबूत पिलर बनाओ। आपका जो लेवल है उससे गिरो मत, खुद एब्यूज मत करना किसी से, ये अच्छे लेवल नहीं है, ठीक है। अच्छे शिक्षा भी नहीं है, ठीक है। दूसरे कर रहे हैं तो उसको करने तो आप रोक नहीं पाओगे, उसका वो परिभाषा है। आप खुद को बाउंड्रीज क्रिएट कर दो, ठीक है। खुद को ड्रेन मत करो, खुद से लेवल के नीचे मत रखो। इतना खुद के अंदर एटीट्यूड रखो जो नहीं कर पाए, कोई भी हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, डीएम हो, कोई भी हो, मत करने दो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपको बनना है। पॉजिटिव क्लेम आप कर सकते हो, ओके। कोई आपके साथ चल नहीं रहे हैं तो इट्स ओके, वॉक अवे। खुद को अकेले चलना सीखो, इसके लिए ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग रहना, स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रॉन्ग खुद के लिए प्रोटेस्ट करना, खुद के लिए स्टैंड लेना। आप कर सकते हो, ओके। लव यू सो मच ऑल गाइस। मैं काउंसलिंग, रीडिंग, थेरेपी लेती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा नंबर है, ठीक है। अच्छे रहो, हेल्दी रहो, सबके साथ प्यार से रहो, सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को प्यार करो और आगे बढ़ो, ओके। सो गाइस, इतने तक वीडियो आज, टाटा।